अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया सुहास से। ऐसे कहते इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया। मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े पैर पकड़े मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई, मैं तेरा छोटा भाई। फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए, 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्षर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ लिए मेरे, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने, कबीर परमात्मा कहते हैं, और चरण पकड़ कर कहने लगे मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा भाई, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं, छोटे तो गलतियां किया करते हैं। अक्षमाशील हो तुम, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो ना तुम। चापलूसी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा बोल क्या बात है कि माफ कर दो, कि कर दिया माफ, मुझे कुछ वचन दे दो, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि हैं उनको पूरी कर दो, आप तो परमात्मा के उस शब्द शक्ति से युक्त हो, आदेश लेकर आए हो, आप तो उन्हीं के तुल्य हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने उससे बोला कि बोल क्या चाहता है, कि वचनबद्ध हो जा। मैं वचनबद्ध हो गया, कबीर परमात्मा कहते। इसने क्या कहा कि हे प्रभु, तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हरमोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तब मैंने कहा भी ठीक है, तीन लोकों में थोड़े जीव ले जाएंगे और चौथे कलयुग में हम अपनी सब आत्माओं को निकालेंगे सच्चा ज्ञान दे करके। तो काल ने एक और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपका ज्ञान, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे और मेरे वाले नाम जाप करे वो मेरा होगा, आप उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करना, बाई फोर्स ना ले जाना कलयुग में, किसी भी युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जो हमारे ज्ञान से हमें पहचानेगा, हमें मानेगा, हम उसको पार करेंगे, और जो तेरे ही आश्रित रहेगा, तेरे ही ज्ञान पर आश्रित रहेगा, हम उसको सतलोक नहीं ले जाएंगे। ये वचन हो गए। उस समय जब परमात्मा ने तथास्तु कर दी, उसी समय इसके तेवर बदल गए, आंख बदल गया, नुकन लगा, जोग जीत जाओ संसारा, जब तुम सत्य कलयुग में आओगे ना जीव उद्धार करने के लिए, उससे पहले तुम आओगे या तुम्हारा कोई दूत भेजोगे, संदेश वाहक भेजोगे, कोई संत भेजोगे, उससे पहले मैं पूरी पृथ्वी पर नकली पंथ चलाऊंगा और सतलोक के गुण गवाऊंगा, सतपुरुष सतलोक कहा करेंगे और वो नाम देंगे मेरे ही तक के, काल तक के, और वो बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, और वो मेरे ही मुख में समाये रहेंगे। क्या कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ बारह पंथ, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आंसम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं जैसे राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये मथुरा वाले
दिनोद वाले, ताराचंद वाले, और ये बाल योगेश्वर के दो अंशादेश वाले, निरंकारी वाले, ये या साराम राले, सुधांशु जी राले, ये सारे काल के लोग हैं, ये दूसरे तरीके से। और ये राधा स्वामी वाले तो सीधे सतलोक के आवाज लगाते हैं, और कख का पता नहीं सतलोक के बारे में, पांचों नाम ये काल के जाप करें, तो ये तो है ना पक्के काल के अंदर फंसे हुए। तो इसने कहा था कि जब तक तुम आओगे बिजली पीढ़ी में, उससे पहले तो मैं कलयुग में इन सबको कंडम कर दूंगा, और मेरे दूत जाकर के तेरे नाम ते सतखंड सतलोक सतपुरुष के नाम से डंडोरा पीट के और सभी प्राणियों को मिसगाइड कर देंगे, और जब पीछे से तेरा संदेश वाहक जाएगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो अपना भौंकता रहेगा। और बेशक जा फिर हंसा बड़ा जोर थे, तो परमात्मा तो बालक थोड़े ही थे, वो तो उसके बाप हैं, बच्चा तो बच्चे वाली बातें करता है, मालिक को पता था। फिर इसने क्या कहा था, जब बाद में प्रार्थना करी, इसका याद आ गई, ये कौन सा मंत्र देगा वो तो मैं भूल गया मांगना। काल ने कहा कि ए भाई, ए परमात्मा, एक काम करना, मुझे वो मंत्र बता दे सतनाम कौन सा है, और जिसके पास वो सतनाम होगा ना, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। परमात्मा बोले, ईसा नरा पागल मत समझ, मैंने जय यू सतनाम तुझे बता दूंगा, तब बठा बठा देगा तू, और तेरे दूत सारे ये सतनाम देते पाऊंगे दो अक्षर का, फिर मैं कैसे भिन्नता बता पाऊंगा। और मेरे सतनाम जिसके पास होगा, काल तू निकट जा ही नहीं सकता, मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है, जो तुझे अभी दिखाई, रियर एक ट्रेलर दिखाया था तेरे को, मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। परमात्मा ने कहा है कि जिस समय ये हंस आत्मा हमें समझाते हैं कि जब तुम सतलोक की तरफ चलो, और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको, 12 करोड़ यम के दूत हैं, और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम की इंकर जहां पर एक नाम की खेड़, खेड़ जैसे ये जो टे बढ़ा करे ना आपस में लड़ते हैं, खेड़ मारा करे, उसको खेड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यम दूत भी तेरे चौगर चारों तरफ आ जावे, एक बार इसका श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु ढूंढे नहीं पाओ ये एक मंत्र के जापते हैं। और वहां पर कहीं उस समय तुम आपत्ति में नो को आयु रीमा मर गया, फिर कोई लाभ नहीं होगा, परमात्मा को याद करना उस समय। तो परमात्मा से इसने कोशिश तो की थी कि उस 2 अक्षर के नाम का पता लग जाए, इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसको बताया था, सतनाम दूंगा और फिर एक सार नाम है वो दूंगा, इन इन आदि नाम से और सतनाम से मोक्ष होगा प्राणियों का। तो इसने वो गुप्त, इसका याद इसने पता ही नहीं था, ओम तत् सत अपने वाला तो क्लियर लिख दिया, और तत और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड, इसको पता नहीं काल को, ये दास भेजा मालिक ने बताने के लिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है, आन देव समय फिर देखो बताऊंगा तेरे को, मैं कैसे समझाऊंगा। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में होगा, और सभी प्यारी आत्मा प्यार से भक्ति कराया करेंगी और प्यार से रहा करेंगे, या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, हाहाकार मच रहा है उससे में बहुत बुरा हाल होगा प्राणियों का, एकदम शांत होंगे, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा एक बार फिर दोबारा। और उस समय तक हमने इंतजार करना पड़ेगा,
आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूं धर्मदास, ये उसी दिन साची होंगी जो मैंने समय रख रखा है, उस समय में पहुंचूंगा, मैं स्वयं आऊंगा और सर्व पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं, पहले तो इन काल के दूतों ने कबीर जी के नाम से पंथ चलाए, जैसे अच्छी आत्माएं आई, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के नाम से पंथ चला, उसका पुत्र चूड़ामणि था, उसको परमात्मा ने अपनी पावर से उसको एक पुत्र दिया और धर्मदास जी से कह दिया था कि इसको सतनाम मत बताना, केवल वो पांच नाम देना। वो कौन से पांच नाम हैं? ये निरंकार, ओंकार, ये ज्योत, नरेंद्र, सतनाम, ये नहीं है। वो पांच नाम ये दास आपको देता है सात मंत्रों में, इन कमलों को खोलने के हैं। और सतनाम नहीं बताना किसी को। तो धर्मदास जी ने ऐसा ही किया था, ऐसे ही फिर आगे चल के धर्मदास जी के बाद चूड़ामणि, चूड़ामणि से फिर आगे किसी ने बात नहीं सुनी, वो नाम बदल दिए काल के दूतों ने सब। वो पांच नाम भी ना छोड़े, एक और मंत्र शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब, सिंधु नाम, पता नहीं, एक पूरा शब्द गोट गोटवा दिया, याद करवा दिया। और फिर परमात्मा ने उसे कहा था कि कलयुग में जब ये 12 पंथ चलेंगे ना काल के सारे, और इन काल के दूतों ने जो भी कहना सुनना है, जो उनका अनुभव है, वो बोल चुके होंगे और सब पुस्तक बना चुके होंगे, उस समय मैं जाऊंगा या अपना दास भेज दूंगा, उसको फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र दे दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा ज्ञान समझने की और समझाने की, और फिर वो जाकर के जनता शिक्षित हो जाएगी, उस समय शिक्षा का दौर शुरू करूंगा। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा दी अपने को, नई शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी, इसने बेईमान बना दिया अपने को, इतने चतुर बना दिया हम भगत भी ना छोड़ दे, इसने अभिमान तो भर दिए, जिसको छोटी सी पोस्ट हाथ लागी धरती तोल देता है, वो नहीं समझता किसी को कुछ भी, अर्जीव की औकात क्या है ये भूल चुका अपने आप को, इसलिए परमात्मा हमारी औकात से हमें परिचित कराते हैं तत्व ज्ञान के आधार से। कितना अभिमान कर रखा किसी प्राणी ने, कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी और या कोई मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना फिर है, एक मिनट में अदरक मार जा, माखी मुंह में के बड़े निकले, हाथ भी ना उठे, क्या औकात इस जीव की। तो हम अपनी स्थिति से परिचित होकर के फिर एक नॉर्मल वे से रहा करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो भी ये संत होंगे नकली, ये अपनी सारा अनुभव लिखवा देंगे, सुनाते सुनाते कई पीढ़ी बीत जाएंगी इनकी, और फिर मैं जाऊंगा या अपना दास भेजूंगा अपनी शक्ति का हथियार दे करके, और फिर वो उनकी पोल खोलेगा, और फिर वो प्यारी आत्मा मुझे पहचान जाएंगी और नकलियों को भी पहचान लेंगी, सचमुच इतना नाश कर दिया इन्होंने हमारे जीवन का। तो उस समय आने दे वो समय, और जब तक मैं अब ये जो कह रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये लिख दिया तूने मेरे ज्ञान में, तब तक तो ये ऐसा लगेगा जैसे ऊट पटांग सा, किसी का जच्चे को नहीं। और जब वो समय आएगा फिर देखना कैसे रजा होगी। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा के इस समय के विषय में, जो अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने निर्धारित किया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तिरही। अरे धर्मदास तो ये लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, एक मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान था, ये असली ज्ञान है मूल ज्ञान, और एक मूल मंत्र है सतनाम और सार नाम, इनको कहा था भी कहीं जो सार्वजनिक ना करना, छुपा के रखना, और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, जो दास आपको बता रहा, ये पहले इन नकलिया का आत्मा होता तो फिर देखना क्या होता।
आज कैसे पहचानते हम भगवान को, यही मंत्र ये भी दे रहे होते थे, इनको सतनाम का पता लग जाता। अब ये उबाई बंटते हैं, बकते हैं सतनाम का, नहीं पता इन्हें है क्या चीज, कदे सतलोक के हैं, कदे सचखंड, कदे सतपुरुष सतनाम, कदे सार शब्द सतनाम, फिर सतनाम सतनाम, ये नींद में बांटे सारे इनको। जैसे सनिपात का जोर हो जाता है ना, सनपात, उस तरह बिरडाव है ये। इनको पता था ही नहीं, तो मालिक ने दया बख्शी हमारे ऊपर, अविश्वास को भेज दिया। तो उसमें परमात्मा ने कहा था कि मैं आऊंगा और धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ ही बिचली पीढ़ी हंस नितर ही, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास से कहा था कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आओगा, इतने तो मेरा ये वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जब समय आओगा जब देखना ये कैसे एक्शन होगा। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से थोड़ी सी झलक। पुनात्मा भक्ति करना बहुत आसान है, परमात्मा पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और जिसको हम परमात्मा इष्ट मान रहे हैं ये वास्तव में भगवान है, तो फिर भक्ति में कोई दिक्कत को नहीं। एक श्वास का सिमरण इतना कीमती, होय होय, एक सतनाम का सुमरण भी कर दे तो कहते कितनी, कहते हैं सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासंग दर रंगोरी हो, तोना तुला तुलाया राम रंगोरी हो, एक सुमरण की कीमत है। और आप कितना सुमरण करोगे सतनाम का, आपको खूब पता है, आपका डटे ना जा, मालिक सी प्रेरणा करता है, रह रहकर याद दिलाता है, और सारा दिन में कम से कम 1500 तो आप सुमन करते ही हो, कम से कम बताता हूं, और इतना भी करते रहोगे तो भी मोक्ष आपका हो। अपने आत्मा अधिक कर ले तो घना बढ़िया। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको सतलोक दिखाते हैं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या फरमाया था। ये 12 पंथ करूं मैं साझा, काल ने 12 पंथ चलाए और कहा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल कह रहा था कि मैं ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा इनको, तू जाएगा या अपना कोई और भेजोगे कोई संत, मेरे उल्टे रंग में रंगे हुए सभी उसके साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे कहे नहीं मानेंगे वे। तो परमात्मा ने कहा था आप अपना काम कर और आन दे वो समय, फिर दिखावांगे कौन ना मानेगा और कौन मानेगा उस समय बताएगा। अब आपको दिखाते हैं इन 12 पंथ कौन कौन से हैं जिनमें, और फिर परमात्मा ने कहा था कि फिर हम आएंगे उस बार में पंथ में आगे चल के सब पंथों को मिटाकर एक बना देंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और इसका संशोधन करता भी कबीर पंथी ही है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। अब इसके एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा, ये कबीर वाणी अध्याय है और प्रश्न नंबर 136 पे है, और इधर से ये बोध सागर है 136-137 पृष्ठ पे, आपको पढ़ के सुनाते हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, अब ये क्या बताते हैं कबीर, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग,
द्वादश पंथ काल फुरमाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा और भूले जीव न जावे ठिकाना। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना। काल का फुरमान, काल का आदेश चलेगा इसमें 12 पंथों में। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अपनात्मो ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागो भरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागुदास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है कबीर पंथ से। क्योंकि अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में, और ये 1870 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है, वहाँ उन्होंने जागुदास का बता दिया है। दूसरा है यागुदास को से जागुदास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमालीय ये कमाली पंथ नहीं है, ये कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और बार माह गरीब दास पंथ, ये छुड़ानी वाला गरीब दास है। ये इसमें प्रथम नारायण दास है। यहाँ इन्होंने सच्चाई यहाँ से हटा दी, यहाँ नारायण दास कर दिया। यहाँ होना चाहिए था चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, बिल्कुल सुना भी नहीं था उसने तो। यहाँ देखिएगा फिर आगे हम यहाँ कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। अब ये चूड़ामणि का प्रथम, ये दूसरा जागू का इन्होंने प्रथम कर दिया यहाँ पर। द्वादश पंथ काल फुरमाना, अरबुल्य जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है चूड़ामणि, और यहाँ दूसरा है, ये दूसरा ये लिखा प्रथम, ये दूसरा होना चाहिए फिर भी। ये जागुदास, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, ये वही है जो कहता हूँ, ये सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ, अब यहाँ दसवां पंथ परम धाम की वाणी, ये है ग्यारहवा, और आगे ये बारहवा पंथ है। ये बारहवा पंथ जो है ये गरीबदास का पंथ है। संवत 1775 हुई, ये संवत 1775 नहीं 1774 है, मिस प्रिंट है। ये संवत 1774 और सन 1717 में आदरणीय गरीबदास गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले का जन्म हुआ था, ये उसके विषय में बारहवा पंथ। वहां भी आपने देखा, यहाँ देखो ये बारहवा पंथ, ये कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे, कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे गद्य भाग में ये बारहवा गरीबदास का पंथ है। अब हम यहाँ आगे हैं फिर कबीर वाणी में, वो कबीर चरित्र बोध हम पढ़ रहे थे, अब कबीर वाणी में आगे हम 136 पृष्ठ पे फिर आ रहे हैं नीचे को। अब संवत 1775 हुई, ये 74 है, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंख ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ वालों के बारे में कह रहे हैं। और बारहवें पंथ प्रगट हो बाणी, बारहवें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की बाणी प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और मेरे ही उसी ज्ञान के ऊपर वो कुछ विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे गरीबदास पंथ तक के प्राणी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये बारह पंथ हमी को जावे। अस्थिर माने वो सनातन परम धाम सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथों के प्राणी गरीबदास पंथ तक के। फिर का कहा कि बारहवें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे, सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, हम ही आएंगे गरीबदास वाले पंथ में। ये रामपाल दास
बारहवें पंथ हम ही चल आवे, परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें बारहवें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग अब कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण है कलयुग का, प्रथम पीढ़ी, जब परमात्मा मघर से सह शरीर गए थे। तीन चरणों में परमात्मा ने बांटा है पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने तीन चरणों में कलियुग को बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए, कहा है कि ये है प्रथम चरण, और बिचली पीढ़ी अब ये दास आपके समक्ष है। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई है, और अंतिम पीढ़ी अंतिम चरण में लोग ये कलियुग के व्यक्ति कृत गनी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सारे मांसाहारी होंगे। और पुण्यात्मा अब भी बिजली बहुत गिर चुकी है, लेकिन अब एकदम पूरे विश्व में एकदम शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल बनेगा, सब बुराई छोड़ेंगे। मांस खान की चीज है, शराब पीने की वस्तु है, सिगरेट या धुआं ऐसा बुरा हाल, इस तमाखू के धुएं को वैसे भी कोई बालक के मुख में चला जाए तो भी खांसी उठती है, और ऐसे गंध को हमने ये काल खुआ रहा है, तो कोई नहीं टच करेगा इसको, फिर बाद में देखना कुछ ही समय में। अब परमात्मा ने क्या बताया है पुण्यात्माओं, अब कच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने जो लिखा था, लेकिन लिखा है ऐसे ढंग से कि कोई समझ नहीं सके इस दास के बिना, क्योंकि जिस पे परमात्मा प्रसन्न हो और उसने जिस उद्देश्य से उसको भेजा है उसी को देगा फिर वो हथियार, ना तो उपयोग कर ले कि तौर बर्बाद कर दे, काल के फंस जा। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि बर्मा पंथ जो गरीब दास जी आवेगा उसके अंदर मैं अपनी वाणी फीड करूँगा, मेरी महिमा की वाणी उसके द्वारा पुनः उजागर होगी, क्योंकि अब परमात्मा को पता था काल के दूत आवेंगे कबीर पंथ बना करके, और ये कबीर सागर तत्व ज्ञान को भी फेर बदल कर देंगे। इन्होंने कबीर सागर में काफी गड़बड़ी कर रखी है, परमात्मा ने दया करी हो, इनका हाथ ना लग गया, ना इसने भी खोज दो कति ये पाट देते इस पन्ने को ही, या दोबारा लिख देते, या दया करी दाता ने, तो उन्होंने मालूम था। इसलिए गरीब दास जी के द्वारा वो अमर वाणी अपनी महिमा की वाणी दोबारा लिपिबद्ध करवा दी, और जो आज परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि बारहवें पंथ प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाओगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति, और अस्थिर घर का मरम न पावे, सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथ हम ही को जावे, कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुष सतपुरुष करेंगे, लेकिन ये स्थान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि बारहवें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5500 तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपुणात्मा सन 1398 में परमात्मा आए, और तीन के चार के आसपास पांच वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे, और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5500 वर्ष, तब यो मेरा वचन साचा होएगा। ये देखिएगा आगे हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते बारहवें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडो मैदाना, प्रथम चरण में। और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर्मबोधो पंडित काजी। आगे देखो ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे लेखा दीना, ये कलयुग की आयु बताई है भगवान ने, और फिर बताया है 5500 तब ये शब्द होगा साचा 5500 वर्ष। इसके संदर्भ में एक और अनमोल वाणी परमात्मा ने बताई है, देखिएगा।
हाँ पहले इसको क्लियर करते हैं फिर वो आगे समझवाओगे। फिर ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर कहा धर्म दास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई, ये मिस प्रिंट हो रहा, बाहर ना जाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा है, मिसप्रिंट है, सब मूल मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम रखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को, जो अब दास बता रहा है इसको, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा, मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अपने आत्माओं, अब इसका फिर एक और समर्थन दिया है परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतते 5500 पाचा तब ये शब्द मेरा होगा सच्चा। अब पहले तो ये देखते हैं कि युग कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपुणात्मा परमात्मा ने दया बख्शी इस दास पर, सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सके सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को एथेंटिक माना जाता है, उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई, उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहाँ प्रचार हो रहा होगा, उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से, सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ, 2508 वर्ष पहले हुआ 2000 से, और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ, दोनों को जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा 5505 निकालने के लिए, 5508 है ये, तो 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष, यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे, और उन्होंने कहा था बेटा ही वाह गया सबे, सतनाम के डोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुनात्माओं हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है 5500 वर्ष कैसे बनते हैं पांच, और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे, और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में डाके में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती, ये सत का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है आपने आपके कर कमलों में, इसके 538 पृष्ठ पर देखना,
यथार्थ कबीर पंच परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है, नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर संग अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। अपुनात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा, देखिएगा। हिमालय तीर्थ कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं। एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कोलकाता, और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कोलकाता। ये अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, नीचे आइएगा। शंकराचार्य की विषय जानकारी है ये। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रहा है क्या शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहिए यहीं से शुरू कर दिए बात, वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहाँ पर। ये ज्योतिर्मठ इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल, ये इनका पता है गली नंबर 2 रामनगर तिवाड़ी मंडोली रोड सादरा दिल्ली में, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं, ये 11 पृष्ठ है और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय, अब यहाँ बताया है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चर्मराती अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नमूद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्म परायण शुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैतरीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब देखो यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा मसीह से पहले 508 वर्ष, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व।
और या 476 ये इन्होंने गलत लिखा है, या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, इसमें से 32 कम कर दो 476 रह जाएगा, और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले, तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए 2000, फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं सन 2000 से मानकर चले हम, ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए 2000, ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका, शंकराचार्य का, और उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए कलियुग के जब हुआ 3000, तो इधर से बीत गए 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले 1999 में तो हो गए 7 5507, 1998 में हो गए 6, और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं कैसा क्लियर किया परमात्मा, कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है, 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का, बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं, अविनाशी सत माने अविनाशी कबीर परमात्मा के वचन। अब यहाँ क्या बताते हैं, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष राठौर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम खेड़ी सावलीगढ़, जिला तहसील बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 1/1/2013 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ जितने भी भगवान हैं सारी की भक्ति करता था, और भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला, और मैं खुद एक मंदिर बनवाया था मैंने, और सुबह उठ के 6:30 बजे उठता था, और नहाने के बाद निस्नान करने के बाद पूजा पाठ बहुत करता था मैं, मंदिर में बैठ के आधा एक घंटे डेली पूजा करता था सुबह भी और शाम भी, उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। अथा ये हुआ कि जो मैं सूखी मिर्ची का व्यापार करता था उसमें मेरा भारी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद गाड़ी ली मैंने, एक टाटा मैजिक ली, महिंद्रा चैम्पियन गाड़ी ली कि हो सके इससे कुछ फ़ायदा होगा, उसमें भी मेरा बहुत लॉस हुआ। आखिर में ये हुआ कि मैं 1-1 रुपए से तबाह तबाह हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। मेरी माँ मेरे पास थी, और माँ भी मेरे पास थी, उसके बाद में माँ मेरी बिस्तर पर लेटी हुई थी 4 महीने से, पूरा शरीर काला हो चुका था और कोई आराम नहीं। बैतूल ज़िले के डॉक्टर को दिखा दिया, ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के डॉक्टर को दिखा दिया, नागपुर के डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर सभी यही कहने लगे कि इनको कोई बीमारी नहीं है। क्या बीमारी है? सिर्फ टेंशन है। भगत के पास जाते थे झाड़ी फूकने कराने, उनसे पूछते थे कि इनको क्या हुआ है, तो वो कहते थे कि इनको किसी ने कुछ टोटका टामनी कर दिया है। हम लोग परेशान हो गए थे, परेशानी के कारण मैं इतना परेशान हो गया था कि मांस दारू बीड़ी सिगरेट हर चीज़ों का अमल करने लगा, और मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी मेरे 2 बच्चे वो हमेशा बीमार रहते थे, जिसका
इलाज चलता था, मैं इतना परेशान हो गया था कि एक एक रुपए से मैं पूरा कंगाल हो चुका था। मेरा कोई रास्ता नहीं था, मैं गाड़ी चलाता था, मैं खुद अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस अपने हाथों से करता था, सुबह गाड़ी को काम करता था और शाम को सोचता था कि सुबह उठूंगा जल्दी और फ्रेश होके अपने गाड़ी लेके जाऊंगा। तो गाड़ी लेके जाता था तो कभी नया टायर फूट जाना, कभी एक्सल टूट जाना, कभी क्रास टूट जाना, मतलब नया नया खुद मेंटेनेंस करने के बाद मिस्त्री को दिखाया, मिस्त्री भी के पास ले जाने के बाद भी कोई उसका कोई जरिया नहीं निकला, एक रुपये का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हफ्ते में 3 दिन उपवास रहता था, शनिवार शुक्रवार मंगलवार 3 दिन कंटिन्यू उपवास रहता था और मैं इतनी भक्ति करता था, इतनी पूजा करता था, भगवानों पे से विश्वास उठ गया था, कोई लाभ नहीं मिला। अथा ये हुआ कि मेरा पूरा नुकसान हो गया, पूरा लॉस में चला गया था, मरने की नौबत थी, भगवान तो नहीं दिखे पर मौत मेरे को सामने दिख रही थी कि बस मरना है मुझे, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की शिष्य थी वो हमारी मौसी जी थी, वो मौसी जी को हमने खबर दी थी, हमने ये नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी है इसलिए नहीं बुलाया था, हमने ये बुलाया था कि मौसी जी आप घर आओ, मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और इनको देख लो आप। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर काला हो चुका था। मौसी आई, उन्हें देखा, देखने के बाद बोलने लगी कि मैं अपने गांव ले जाना चाहती हूँ। जब वहाँ गई 3 दिन उनके घर रही, इनने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनाए और जब माँ 3 दिन बाद घर आई तो मेरे पास में आई, एक दवाई का डब्बा था उनका, काफ़ी इतनी दवाई थी उनके साथ में, तो मेरे से बोलने लगी बेटा तू मेरे को बरवाला लेके चल। तो मैंने कहा क्यों? बोले बेटा ये दवाई जितनी ले गई थी मैंने, उतनी जितनी ले गई थी उतनी पूरी दवाई है, ये देख ले तू। मैं उससे मैं बहुत मांस दारू पानी बहुत पीता खाता था, तो मैंने कहा देखो माँ मैं अपने घर पे मंदिर बनाया हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन उपास रहता हूँ, भगवान कहीं है नहीं, भगवान से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और भगवान की बात करो मत। मैं तिरुपति जाता था, वैष्णो देवी जाता था, कहीं से कोई लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। और ए बाबा बहरा की तो बात ही मत करो। नहीं बेटा बोले तू मान मेरी बात, तू भले मत कुछ करना, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा देख माँ मेरे पास में 1 रुपए भी जहर खाने के लिए नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना मैं कहीं अलग से रखा हूं मैंने, मेरे को आप बताओ माई, मैंने भाइयों को सबको धंधे से लगाया, सब कुछ करा और आज मैं वीरान हो गया हूँ, मेरे पास ना कोई धंधा है ना कोई गाड़ी है, और गाड़ी भी है तो टूटी पड़ी हुई गाड़ी है, मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ जहर खाने वाला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो माँ कहती है मेरी कि बेटा मैं किसी से पैसे उधार मांग के लाऊं, चलेगा? मैंने कहा देखो अगर वो संत रामपाल जी महाराज भगवान होंगे तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा, पर मैं किसी के उधार मांग के नहीं जाऊंगा। तो बोले बेटा तू कहीं बैंक में पैसा होगा तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास में बैंक में खाता नहीं माँ, तो कहाँ से रखूँगा? तो बोले कहीं जमा करता है, बोले तू पेटी वेटी पूजा करता वहाँ रखता है। बोले मैंने कहा देखो माँ मैं कहीं जमा नहीं करता हूँ, 1 रुपया रखा नहीं, मैं तो इसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ है मेरी, तू तेको पता है बचपन से पैदा करा, तेरे को पता है कि मैं कहाँ क्या पैसे रखता हूँ, मैं पेटी में पूजा करता हूँ, जहाँ जो वैष्णो देवी गया था तिरुपति गया था तो वहाँ पे मैं कहीं से भी आता था तो जेब में रहते थे 10-5 रुपए, तो दोनों फोटो के सामने वैष्णो देवी की और तिरुपति की फोटो जो थी उनके सामने डाल देता था तो पैसे। तो माँ मैं हर 6 महीने में जो तिरुपति गया था, अभी अगले महीने में तो 2 महीने पहले तो तिरुपति गया था और अभी तो अभी आया हूँ मैं, तो उसमें क्या 100-200 रुपए पड़े होंगे? तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है। तो मैंने कहा माँ नहीं है पैसे, तू जिद मत करे मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मैंने ऐसे बाबा बैरागी बहुत देखे हैं, तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है फिर देखते हैं फिर क्या होगा। तो मेरी बेटी है, वो बेटी है 10 साल की, उसको बोला कि बेटी तू प्लेट लेके आ थाली, तो वो थाली लेके आई मेरे पास बेटी, और थाली लाई तो मैंने पेटी खोली अपनी, और पेटी खोलने के बाद में वैष्णो देवी की फोटो के सामने से इतनी सी गड्डी उठाई और ऐसे रख दी, और तिरुपति की फोटो के सामने से उठाई इतनी और इसे ऐसे रख दी। अब मैंने कहा कि माँ और बेटी तुम जो दोनों पैसे जमाओ, मैंने कितने हैं मेरे को तो नहीं पता कितने पैसे हैं। तो उनने पैसे जमाए और गड्डी बना के मेरे हाथ में दी, पापा जी बोले ये लो, मेरी बेटी बोली। तो मैंने जब पैसे लिए हाथ में, जब उनको गिने तो 1340 रुपए निकले। उस 1340 रुपए, फिर भी मेरे कह रहा हूं माँ से कि 1340 रुपए में क्या होगा, हरियाणा और दिल्ली के आगे जाना है। तो मौसी बोलने लगी मेरी कि बेटा
सिर्फ आने जाने का किराया लगेगा, बाकी एक रुपए भी तेरे पुत्र को नहीं लगेगा, सिर्फ यहां से बैतूल से जिंद का टिकट लगेगी। दूसरे दिन तैयारी हुई और जिंद तक पहुंचे। जिंद के सामने बस पड़ी खड़ी थी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की। उस बस में बैठ के हम आश्रम पे पहुंचे और जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उनसे पूछने लगा कि भाई आप कब से जुड़े हो, आपको क्या लाभ मिला और आपको लाभ मिला तो कितने दिन में मिला। ऐसे कई 10 लोगों से मैंने पूछा। पूछने के बाद में उन लोगों ने बताया कि कुछ 15 दिन से जुड़े, कुछ 1 महीने से जुड़े, कुछ साल भर से जुड़े, उनको इतना इतना लाभ हुआ। सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों को बहुत आराम हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई हस्ती है, कोई भगवान का स्वरूप है यहाँ पर। ऐसा लगा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके कि लगा कि यहाँ पे साक्षात परमात्मा स्वरूप कुछ है। तो मैंने जाके डायरेक्ट बिना नहे नाम दीक्षा ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? पहला तो लाभ ये हुआ कि जो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया मुझे, और आशीर्वाद दिया तो शरीर जो भारी भारी था मेरा, बहुत ज्यादा वजन था शरीर में, तो ऐसा हल्का हो गया शरीर, ऐसा लगा कि पुनर्जन्म हुआ मेरा। उसके बाद में गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद माँ से मिला, माँ भी गई थी, उनने भी नाम दीक्षा, मैंने कहा माँ नाम दीक्षा ले ली तो बोले नहीं, तो मैंने कहा जाओ तुरंत नाम दीक्षा लो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा माँ। और उसके बाद मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, तो बेटे ने भी नाम दीक्षा ली, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। फिर उसके 15-20 मिनट बाद मेरा बेटा चीख चीख के रोने लगा। मेरी माँ और मैं और मेरा बेटा, हम 3 लोग बरवाला आश्रम गए, बाल पकड़ के ऐसे अपने बाल पकड़ के खींच रहा और रोने लगा। तो मैंने कहा इसकी माँ की याद आ रही होंगी। तो भाई साहब आपको बताऊं मैं कि इतना ज्यादा रोने लगा कि मैं घबरा गया कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया। फिर पुनः मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया कि संत रामपाल जी महाराज, गुरु जी ये इस बच्चे को क्या हो गया, रोने लगा। तो गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने पुनः उसको आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद दिया तो एकदम शांत हो गया। और उस तारीख का दिन है 1/1/2013 में नाम लिया, 2018 हो गया। आज तक मेरा बेटा स्वस्थ है और मेरी माँ भी स्वस्थ है। 1 रुपए की दवाई नहीं खाती है, ना मैं खुद दवाई खाता हूँ। माँ को बीमारी क्या थी ये तो कुछ भी नहीं पता, पूरा शरीर काला हो चुका था। दवाई डॉक्टर पास जाते थे, दवाई लाते थे, दवाई खाते थे, कोई आराम नहीं होता था। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर पास जाते थे, डॉक्टर से कोई आराम नहीं लगा। हर डॉक्टर ने यही बोला कि इनको कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं है तो आराम क्यों नहीं, ये हमको कोई पता नहीं। वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जाने की क्या बीमारी थी और क्या। आज माँ भी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ और मैं भी स्वस्थ हूँ। और मुझे डॉक्टर ने जब मैंने चेकअप कराया तो पथरी बताई थी 2 जगह, जो एक किडनी के पास में 3 mm की थी और 5 mm की मेरे आंत में थी। और बवासीर की जो बीमारी थी मेरे को कोम वाली थी, बड़ी कोम हो गई थी, कहना चाहिए कि 1/2 इंच होंगी कोम। उस कोम से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी और पथरी के लिए भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। कब गुरुजी से नहीं जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था उसके पहले, तो मैं ऐसे दुखी था क्योंकि पैसे तो था नहीं, इलाज करा नहीं पाता था, ना कोई ऑपरेशन करा पाता था। जब माँ को तकलीफ थी तो माँ के वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया। जब संत रामपाल जी महाराज शरण में माँ के लिए गया था, पर मैंने खुद ने सबसे पहले नाम लिया और भक्ति करी। भक्ति क्या की, शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं और कलयुग में कहते हैं कि सुमर सुमर नाम आधार कलयुग उतरे पारा, तो वो कौन सा नाम है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दी। उस नाम का सुमरण करने से आज ना कोई मैंने ऑपरेशन कराया, ना मैं आज 1 रुपए की कोई दवाई खाता हूं। मैं पथरी कोई ऐसे लगती नहीं, मेरे को स्वस्थ हूं मैं, ना कोई पथरी जैसा लगता है, ना कोई बवासीर जैसा लगता है, मैं आज एकदम स्वस्थ हूं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले इतना दुखी था कि मैं मरने के लिए खड़ा हुआ था, 1 रुपए मेरे पास नहीं थे जहर खाने के लिए भी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में एक महिंद्रा चैंपियन मेरे पास गाड़ी थी, जिसको मैं 3 साल से 20,000 रुपए बेचने को तैयार था कि ये बिक जाए,
क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 1/1/2013 में नाम दीक्षा लेके आया और मैं चंडी, दुर्गा, काली, शंकर भगवान, दुर्गा जी, इन भगवानों की इतनी पूजा पाठ करता था। तो मैं धागे, डोरे, नारियल, खारी जो भी मेरी गाड़ी में बंधे थे, लोग जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे करता था और मैं गाड़ी में बांध के रखता था कि मेरी गाड़ी चलेगी। तो उसको सारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ कर नाम दीक्षा लेके घर आया और घर आने के बाद में मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की एक फोटो लगा दी गाड़ी के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज से 15 दिन के अंदर उस गाड़ी से मैंने 7,500 रुपये कमाए और 15 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बेटी, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम पुनः फिर गए और इन दोनों को नाम दीक्षा दिला के घर लाया। और मालिक ने इतनी दया करी कि मेरे घर में एक बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, मेरे घर में कूलर नहीं, पंखा नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा ऐसी हुई जब नाम लेके आए पुनः 15 दिन बाद, तो फिर परमात्मा ने इतनी दया करी कि जो गाड़ी के लिए मैं बेचने को तैयार था 20,000 में, उस गाड़ी के लिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद कहा कि हे संत रामपाल जी महाराज, इस गाड़ी को पुरानी को बेचना है, पुनः दूसरा कोई काम करूंगा मैं, पुरानी गाड़ी हो चुकी है। इसलिए वो गाड़ी जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई, मेरे पास ग्राहकों के फोन आने लगे और ग्राहक आने लगे। वो गाड़ी मेरी 55,000 रुपए में बिकी। उस गाड़ी को मैंने 55,000 में बेचने के बाद मेरे घर में बड़ी सुख शांति आई कि हर चीज से परिपूर्ण हो गया मैं और मेरे पास में आनंद हो गया। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए थे। मैं पुनः दूसरा मकान का निर्माण करने के लिए सोच रहा था क्योंकि मेरे पिताजी के हिस्से में जमीन आई थी, तो मेरे काका चाचा के लड़के लोग कहते थे कि यहाँ पे तुम खूटा भी नहीं गाड़ सकते। तो संत रामपाल जी महाराज की ये दया कृपा हुई कि खूटा क्या भगत जी मेरा, आज मैंने 20/62 में मकान बनाया है आज, और आज घर में हमारे स्वर्ग जैसा आनंद आता है। हर चीज से मालिक ने सुखी संपन्न कर दिया, कोई दुख नहीं है और कोई भी परेशानी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं देना चाहता भगत जी, सर मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई हैं, परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, इस जीव आत्मा में सारे मेरे बच्चे हैं और सारे ही अपने भाई बहन हैं। मैंने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी उसमें लिखा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब परमात्मा कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, तो परमात्मा के तो सारे बच्चे हुए और सारे बच्चे से परमात्मा के सारे बच्चे संत रामपाल जी महाराज के सारे बच्चे से एक प्रार्थना है मेरी कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपने जीवन का, जीव का कल्याण कराओ। ये जीव बहुत मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। लक्ष 84 एवनी जन्म होने के बाद में और लक्ष 84 काटने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है, वो सिर्फ किस लिए मिलता है? सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और वो प्राप्ति छोड़ के अपन धन दौलत पैसा धेली बीवी बच्चे में लगा देते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है उनको जानो और उनको जान के उनके शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप बड़े आसानी से और सरलता से ले सकते हैं। हर घर में टीवी है, हर घर में चैनल चलता है, 4-5 चैनल पे सत्संग आता है और उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए है। उस नंबर के द्वारा आप फोन लगा के और ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगवा सकते हो SMS के द्वारा, उस नंबर से SMS करके, या आपको फोन लगा के आप पूछ सकते हो। हर जगह जगह पे नामदान स्थल खुले हुए हैं, आप कहीं भी जाके किसी भी जिले में कहीं भी रहते हो आप नाम दीक्षा ले सकते हो उससे। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544।
हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।